Dear students, in this lecture we are going to study about transportation. Transportation is divided into two portions in your syllabus: transportation in human being and transportation in plants. First we will start up with human being. Transportation in human being is done by our circulatory system. What is circulatory system? This is a system which is responsible for transportation of gases like oxygen and carbon dioxide, nutrients and excretory waste to and fro from the cells. अब इसको थोड़ा हिंदी में समझाते हैं. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? कि सामान को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाना. तो हम लोगों के शरीर के अंदर भी अलग अलग मटेरियल्स को एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में, एक ऑर्गन से दूसरे टिश्यू में, एक जगह से दूसरे जगह में ले जाना पड़ता है. जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, शरीर में जो मेटाबॉलिक एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सबको सेल तक डिलीवरी देना और सेल से वापस ले जाना. सो कितने सारे ट्रांसपोर्टेशन का काम सोचो बॉडी के अंदर हो रहा है. मटेरियल्स एक जगह से दूसरे जगह में जा रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ न्यूट्रिशन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सक्रीशन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन. तो ये सारे काम को अंजाम देता है हम लोगों का शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम. दे कनेक्ट आवर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन. तो हम लोगों का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये तीन कंपोनेंट से बना होता है. एक पंपिंग स्टेशन जिसको हम लोग हार्ट बोलते हैं, एक सर्कुलेशन मीडियम जो कि ब्लड और लिम्फ होता है, और सर्कुलेटरी पाथवे और वेसल्स जो कि ब्लड के लिए आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज होता है, यानी कि इस जिसके अंदर से ब्लड फ्लो होता है, और लिम्फ फ्लो होने के लिए है लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स. अब अगर एक शहर का ट्रांसपोर्टेशन के साथ अगर इसको कंपेयर करेंगे तो हम लोग इसको थोड़ा अच्छी तरह से विजुअलाइज कर पाएंगे. जैसे कि एक शहर में मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने के लिए, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाने के लिए ट्रक्स होता है, कार्स होता है, जो जो सामान जिस जिस चीज़ के अंदर से सामान को एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाया जाता है. अब ट्रक को चलने के लिए ट्रक को फ्यूल का ज़रूरत है. अब वो फ्यूल कहाँ से मिलता है? पेट्रोल पम्प से, यानी कि ट्रक को चलने के लिए पेट्रोल डीजल का ज़रूरत है, तो पेट्रोल पम्प से फ्यूल लिया जाता है. ओके और ट्रक अल्टीमेटली उस फ्यूल से सामान को, मतलब उस फ्यूल से उसका इंजन स्टार्ट करके सामान को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह में ले जा रहा है. और कहाँ से ले जा रहा है? शहर का जो सड़क, जो पाथवेज होता है. तो इसी तरह से हम लोगों का बॉडी में व्हीकल या कैरियर ऑफ मटेरियल्स होता है ब्लड और लिम्फ. और ब्लड और लिम्फ को फ्लो करवाने के लिए जो फोर्स क्रिएट करता है वो है ब्लड पंपिंग स्टेशन यानी कि हार्ट, और ब्लड और लिम्फ को फ्लो करवाने के लिए रहता है ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स. नाउ वी स्टार्ट विथ हार्ट, दैट इज आवर पंपिंग स्टेशन. हार्ट इज ए फिस्ट शेप्ड मस्कुलर ब्लड पंपिंग स्टेशन ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम which continuously pumps blood throughout the body starting from your birth to death. तो हार्ट, ये जो यहाँ पे हार्ट रहता है, हार्ट का जो शेप रहता है वो हम लोग का मुट्ठी के जैसा रहता है, या तो पियर बोल के एक फ्रूट रहता है उसके जैसा होता है. और ये एक मस्कुलर ऑर्गन है क्योंकि इसका जो कंटिन्यूस रिदमिक बीटिंग, हार्ट बीट जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके लिए इसका मसल हेल्प करता है, और ये ब्लड को पंप करके पूरा शरीर में फैला देता है. इसका पोजीशन, सिचुएटेड बिहाइंड द स्टर्नम बोन. ये जो बोन है, जो रिब केज का, हम लोगों का जो चेस्ट रीजन में जो प्लेट जैसा बोन होता है उस बोन को कहा जाता है स्टर्नम बोन. तो ये स्टर्नम बोन के पीछे स्लाइटली ऑन लेफ्ट साइड इन द मीडियल स्टेनम कैविटी बिटवीन द लंग्स. अब चेस्ट कैविटी के अंदर दो लंग्स होता है, दो लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट रहता है स्टर्नम बोन के पीछे, थोड़ा सा बाई की तरफ
हम लोगों का जो लेफ्ट लंग होता है उसका थोड़ा सा जगह ऑक्यूपाई करके, जिस जगह का नाम है मीडियास्टिनम कैविटी। इसलिए हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट लंग का जो साइज थोड़ा छोटा होता है राइट लंग से, ताकि हार्ट उसका थोड़ा जगह ऑक्यूपाई करके रखता है। अब हार्ट का वेट, एवरेज हार्ट का वेट होता है 300 ग्राम, बट इट वैरीज जेंडर वाइज, मेल फीमेल या एज के अनुसार ये वैरी करेगा। वो हार्ट तो पूरा शरीर में ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है? हार्ट को ब्लड सप्लाई किया जाता है कोरोनरी आर्टरी बोल के, आर्टरी का एक मेन आर्टरी जो है एओर्टा, उसका एक ब्रांचेस के द्वारा। मसल्स ऑफ हार्ट, हार्ट इज बिल्ट अप ऑफ कार्डियक मसल, एक तरह का इनवॉलेंट्री मसल होता है जो एक रिदमिक कंटिन्यूस मूवमेंट शो करता है जन्म से लेके मौत तक। हार्ट में जो नर्व एक्सपांडेड है वो हम लोगों का क्रेनियल नर्व है एक, क्योंकि वेगस नर्व। और हम लोगों का हार्ट का टाइप, इफ वी टॉक अबाउट आवर हार्ट इज़ अ मायोजेनिक टाइप। व्हाट इज मायोजेनिक हार्ट? हार्ट दो तरह का होता है, मायोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक हार्ट मतलब जो हार्ट अपना कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को, यानी कि हार्ट बीट को खुद का ही मसल से रेगुलेट करता है, उस हार्ट को कहा जाता है मायोजेनिक हार्ट। ओके, और जो हार्ट अपना हार्ट का जो बीटिंग, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को अपना नर्वस सिस्टम से रेगुलेट करता है, उस तरह का हार्ट को कहा जाता है न्यूरोजेनिक हार्ट, यानी कि जो न्यूरल सिस्टम से रेगुलेट होता है। लेकिन हम लोगों का हार्ट खुद ही खुद को रेगुलेट कर पाते हैं, क्योंकि हार्ट अपना जो इम्पल्स, अपना जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन खुद के अंदर ही प्रोड्यूस कर सकता है। और मायोजेनिक हार्ट आफ्टर द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आफ्टर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इट कीप वॉकिंग, यानी कि अगर हम लोगों का मौत भी हो जाता है तो हम लोग का हार्ट थोड़ी देर के लिए बीट करते जाएगा, हार्ट बीटिंग होते जाएगा। लेकिन न्यूरोजेनिक हार्ट जैसे ही ऑर्गेनिज्म का मौत हो जाता है वहीं पे तुरंत उसका हार्ट बीट बंद हो जाता है। नाउ द जेनरेटर ऑफ इम्पल्स और पेसमेकर, हार्ट को बीट करवाने के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है हार्ट के अंदर, जिसको कहा जाता है SA नोड या साइनोएट्रियल नोड। ओके, इसको पेसमेकर कहा जाता है, और इसको हेल्प करता है AV नोड या एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसको पेस सेटर भी कहा जाता है। ये एक तरह का सेल या बैटरी का काम करता है, यानी कि SA नोड में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और AV नोड उस जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को रिसीव करता है, और पार्किंजी फाइबर के थ्रू, एक तरह का पर्टिकुलर फाइबर होता है इलेक्ट्रिक को कैरी करने, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए, जो कि कार्डियक मसल के अंदर से स्प्रेड आउट है, उस नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिक इम्पल्स को पूरा हार्ट के जो सरफेस के बराबर वो स्प्रेड आउट कर देता है, फैला देता है। नाउ वील सी द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। If we look at that, at the structure of heart, what do we see? Heart is made up of 4 chamber. Heart को अगर हम लोग एक दो तला का building के साथ compare करें, इसमें नीचे 2 chamber है, ऊपर 2 chamber है, तो heart का जो ऊपरी जो chamber है इसको कहा जाता है atrium, previously इसको कहा जाता था auricle, okay? और नीचे 2 chamber है उन लोगों को कहा जाता है ventricles। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम, राइट साइड में राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड में राइट वेंट्रिकल। अब हार्ट का जो लेफ्ट और राइट साइड, ये एक वॉल से, एक दीवार से सेपरेटेड रहता है, जिसको कहा जाता है सेप्टम। हार्ट का लेफ्ट और राइट साइड को हमेशा के लिए सेपरेट करके रखते हैं। अब हार्ट का अपर चेंबर एंड लोअर चेंबर से, यानी कि एट्रियम से वेंट्रिकल को कौन सेपरेट करते हैं? हार्ट का ग्राउंड फ्लोर के साथ फर्स्ट फ्लोर को कौन सेपरेट करके रखते हैं? अगर राइट साइड में देखा जाए तो राइट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक गेट रहता है, एक दरवाज़ा रहता है, जिसको कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। एक मेम्ब्रेनस गेट सिस्टम होता है जो कि सिचुएशन के हिसाब से ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है। और वही लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में
एक वाल्व है जिसका नाम है मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व, जो कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है और ज़रूरत के हिसाब से ये ओपन या क्लोज भी हो सकता है। ये छोड़ के और भी वाल्व रहता है हार्ट में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कशन करते हैं। तो अब इतने तक हम लोग क्या पढ़ लिए कि हार्ट में चार चैम्बर होता है और चार चैम्बर एक दूसरे से कैसे सेपरेटेड है। अब हार्ट का पाइपलाइन सिस्टम देखेंगे। हार्ट का काम होता है बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करवाना। तो ब्लड सर्कुलेट करवाने के लिए हार्ट के पास किस किस तरह का वेंस एंड आर्टरीज होता है, किस किस तरह का ब्लड वेसल्स या पाइपलाइनिंग चैनलाइज सिस्टम होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्टिंग होता है हम लोग का शरीर का जो मेन आर्टरी, जिसका नाम है एओर्टा या एओर्टिक आर्च, जो कि एक उल्टा जे या सी शेप्ड एक आर्टरी होता है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके पूरा बॉडी में सर्कुलेट करता है। वही राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है एक वाई शेप्ड आर्टरी, जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेके पहुंचाता है लंग के पास। तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा का क्या काम होता है, हार्ट से ब्लड को लेके बाहर ले जाना। और वही एट्रियम के साथ वेन जुड़े हुए हैं, जो कि हार्ट के बाहर से हार्ट के अंदर ब्लड को लाते हैं। पल्मोनरी वेन्स, दे आर ड्रॉइंग ब्लड फ्रॉम आउटसाइड हार्ट टू लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम के साथ चार पल्मोनरी वेन जुड़े हुए हैं, जो कि हार्ट के बाहर से मीनिंग लंग से लेफ्ट एट्रियम तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके पहुंचाता है। वही राइट एट्रियम के साथ जुड़े हुए हैं दो वेन, इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। ये दोनों वेना केवास का काम होता है पूरा बॉडी के ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके पहुंचा देना है राइट एट्रियम के अंदर। ओके, दीज आर द मेजर चैनल सिस्टम ऑफ हार्ट। अब जो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी जो देखे थे, इन लोगों का जो माउथ होता है, इन लोगों का माउथ में यानी कि ये जो पाइप का शुरुआत में भी कुछ वाल्व होता है, उस वाल्व को कहा जाता है सेमी लूनार वाल्व, यानी कि आधा चांद जैसा शेप का होता है एक वाल्व देखने में। तो एओर्टा के जो माउथ है उसमें तीन सेमी लूनार वाल्व होता है यहाँ पे, और यहाँ पे, और पल्मोनरी आर्टरी का जो माउथ होता है वहाँ पे भी तीन सेमी लूनार वाल्व होता है। तो दिस वाज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब हार्ट का कुछ कवरिंग के बारे में देख लेंगे। हार्ट का जो आउटर कवरिंग है कार्डियक मसल से बना होता है, इसको कहा जाता है पेरिकार्डियम। ओके, आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट इज़ नोन एज पेरिकार्डियम, जो कि कार्डियक मसल से बना होता है। और यहाँ पे जो तो गेट के बारे में बताया गया था, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, ये सिचुएशन के साथ ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है। और इसको ओपन और क्लोज कौन करवाता है, ये जो वाल्व के साथ रस्सी जैसा कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, इस रस्सी को कहा जाता है कॉर्डी टेंडनी। तो कॉर्डी टेंडनी हार्ट के रिक्वायरमेंट के अनुसार दोनों वाल्व को, ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वाल्व को ओपन कर सकता है और क्लोज कर सकता है। अब चले जाएंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे हम लोग मेनली जो देख रहे हैं हार्ट का एसए नोड और एवी नोड के बारे में देख रहे हैं। ये जो पोर्शन देख रहे हैं दैट इज एसए नोड, दैट इज साइनोएट्रियल नोड। ये हार्ट के लिए इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करते हैं। और ये जो है ये एवी नोड, ये जनरेट एसए नोड में जनरेटेड इम्पल्स को कलेक्ट कर रहा है और पार्किंजी फाइबर्स के थ्रू पूरे हार्ट में सर्कुलेट कर दे रहे हैं। ओके, तो इन दोनों का सिचुएशन,
प्लेस हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे सिचुएटेड है दोनों। एसे नोड कहाँ पे सिचुएटेड है, सुपीरियर वेना कैवा और राइट एट्रियम के जंक्शन में, और ए वी नोड प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वाल्व और राइट एट्रियम के जंक्शन में।